देता हूं कि कजा नमाज अदा करना वैसे तो वैसी अदा करनी चाहिए जैसे आम आप नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन फुकहा ने जरूर यह लिखा है कि बाज़ औक़ात कसीर कजा नमाजें बाकी होती हैं और नफ्स उनकी कसरत की वजह से अदायगी में सुस्ती का मुजाहरा करता है। ऐसी सूरत में अगर उन नमाजों की अदायगी के सिलसिले में तख़फीफ से फायदा उठा लिया जाए तो नफ्स बाखुशी राजी हो जाएगा और बहुत बेहतर है कि वो नमाज में तख़फीफ करके नफ्स को राजी करते हुए ताकि ये मुसलसल साथ दे और जल्दी जल्दी नमाजें अदा हो जाएं, उस चीज को इख्तियार करने में हर्ज नहीं है। तो तख़फीफ ये है। नंबर एक, जब आप कजा नमाज शुरू करें तो सना अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह छोड़ दें, बराह रास्त अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करें, अलम शरीफ पढ़ें, सूरत पढ़ें। अब आप रुकू में गए तो रुकू में तीन तस्बीहात के बजाय सिर्फ एक बार तस्बीह पढ़ लें, लेकिन इसमें जरूर है कि जब आप रुकू में आराम से पहुंच जाएं अब तस्बीह पढ़ें और खत्म करके फिर खड़े हों। ऐसा नहीं कि ऊपर से पढ़ते हुए गए और बस ये रुकू में गए उठ गए, इससे फिर फर्ज पूरा नहीं होगा। इसी तरह सजदे के अंदर दोनों में एक एक बार तस्बीहात पढ़ लें। दूसरे इसमें एक मजीद तख़फीफ ये है कि आप जैसे आपने खुद कहा कि तीसरे और चौथी में अलहम्द के बजाय तीन तीन बार सुभान अल्लाह कह लें। इस पर कलाम करता हूँ लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक। ये एक बहन को बता रहे थे कि कजा नमाज में तख़फीफ क्या क्या तख़फीफात क्या क्या हासिल हो सकती हैं। पहला बताया कि आप सना तआवुज़ और तस्मिया छोड़ दीजिए, रुकू और सुजूद में एक एक बार तस्बीह पढ़ें तीन के बजाय, और फर्ज की तीसरी और चौथी रकअत में अलहम्द शरीफ के बजाय सिर्फ तीन तीन बार सुभानअल्लाह 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 कहकर आप रुकू कर सकती हैं। नीज आखिर में अत्तहियात के बाद पूरा दुरूद इब्राहिमी या दुआ ना पढ़ना चाहें तो उसको छोड़ दें और सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन कह लें, यानी अत्तहियात पूरी पढ़ें, इसके बाद अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन कहकर आप सलाम फेर सकती हैं। वितर के अंदर तीनों रकतें पढ़ेंगे, जिसने आपको बताया कि एक रकत वितर पढ़ सकते हैं उसने गलत कहा, लेकिन ये जरूर है कि तीसरी रकत में दुआए कुनूत के बजाय आप तीन बार सिर्फ यूं कह लें, रब्बिग़फ़िरली 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 या अल्लाहुम्मग़फ़िरली अल्लाहुम्मग़फ़िरली अल्लाहुम्मग़फ़िरली, इतना कह के आप रुकू कर सकती हैं। तो इससे बहरहाल नमाज काफी मुख्तसर सी हो जाती है और नफ्स आसानी के साथ नमाज की अदायगी की तरफ माइल हो सकता है। ये एक तख़फीफ वाला तरीका है, लेकिन अफजल और औला वही तरीका है कि आप पूरी पूरी नमाज पढ़ें। लेकिन अगर पूरी नमाज पढ़ने के सिलसिले में नफ्स इतना गालिब आ रहा है, सुस्ती कर रहा है कि पढ़ ही नहीं जा रही, तो इससे कहीं ज्यादा छोड़ने से कहीं ज्यादा बेहतर यह है कि आप तख़फीफ वाले तरीके के साथ नमाज को अदा फरमा लें।
Oh.